Hello guys, welcome back to another video of Smart Gadgets. Hope you guys are doing absolutely fine. ये है Apple AirPods Pro Second Generation और ये वाला product मैंने एक unknown website से purchase किया है. चलिए करते हैं इसका unboxing, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये वाला product मैंने कैसे purchase किया है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये product मैंने एक unknown website से purchase किया था, तो मुझे थोड़ा बहुत डर था कि ये product deliver होगा या नहीं. फिर जहाँ से मैंने इसको परचेस किया था वहाँ से मुझे इसका ट्रैकिंग डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड किया गया था और उसके कुछ दिन के बाद मेरे पास आया इसका डिलीवरी. आप भी चाहो तो इसे ऑर्डर कर सकते हो, बट कोई भी अननोन वेबसाइट से कुछ भी परचेस करना हो तो वो अपने रिस्क से करे, इसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता. कैसे ऑर्डर करना है, ये प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर मिल जाएगा. ऑर्डर करने के टाइम पे इसी वाले वेबसाइट से मैंने दो कवर मंगवाए थे इसके लिए, वन लेदर एंड अनदर वन इज सिलिकॉन. सबसे पहले भाई यहाँ पे अपना लेदर कवर निकल के आ रहा है. प्रोडक्ट फिनिशिंग अच्छा है, इसको रखते हैं साइड में, चलते हैं असली वाले प्रोडक्ट की तरफ. ये निकल के आया अपना एयरपॉड और उसके नीचे से ये सिलिकॉन कवर, इसका भी क्वालिटी अच्छा ही है और इसके साथ एक कैराबिनर भी मिल जाता है इसको लटकाने के लिए. बॉक्स को ओपन करते ही इसका यूज़र मैनुअल वगैरह हमें देखने को मिल रहा है. उसके नीचे रखा हुआ है हमारे एयरपॉड, एयरपॉड को रखते हैं साइड में. बॉक्स पे हमें इसका टाइप सी टू लाइटनिंग चार्जिंग केबल देखने को मिल रहा है जो ख़राब है और इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ टिप्स. चलते हैं एयरपॉड की तरफ. ये एयरपॉड काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इस वाले एयरपॉड का टोटल वेट आता है 61 to 62 ग्राम. बॉक्स को ओपन करते ही क्यूट सा साउंड और इसी के साथ फ़ोन का पॉपअप. गाइस ये मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन के साथ पेयर करके रखा हुआ है. चलते हैं इसका सेटिंग्स में, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है. सेटिंग्स में सबसे पहले हमें एयरपॉड का चार्ज एंड मैग्नेटिक केस का चार्ज अलग से देखने को मिल रहा है. उसके बाद डिवाइस रीनेम का ऑप्शन है और इसके नीचे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, नॉइस कंट्रोल. नॉइस कंट्रोल से नॉइस कैंसिलेशन को ऑन, ऑफ या फिर ट्रांसपेरेंट मोड पे रख सकते हो. नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिव करने के लिए अपने दोनों एयरपॉड्स को अपने कान में पहनना है, नहीं तो फिर नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव नहीं होता है. ये हमने पहन लिया है एयरपॉड्स को अपने कानों में. अब करते हैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन. ओ भाई, कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि ऑल्टीट्यूड ड्रॉप होने से जैसे कान अपना बंद हो जाता है ना, बस सेम फीलिंग्स है. बाहर का कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा. जब नॉइस कैंसिलेशन ऑफ रहता है तब नॉर्मल हेडफोन जैसे बिहेव करता है वैसा ही कुछ सेम बिहेव करता है ये भी. नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी मोड. आपके आसपास जो साउंड हो रहा है उसी साउंड को ये हेडफोन अपने माइक से रिकॉर्ड करके आपके कान में प्ले करता है. तो इसमें क्या होता है, बाहर का जो नॉइस है या फिर जो भी साउंड है वो आपको थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेस एंड होल्ड का ऑप्शन. हर एक एयरपॉड के बटन्स को अलग से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं. उसके बाद आता है ईयर टिप फिट टेस्ट. नेक्स्ट ऑप्शन हमें ऑटोमेटिक एयर डिटेक्शन का मिल जाता है जो बाय डिफॉल्ट ऑन है और मुझे ऑफ भी नहीं करनी. नेक्स्ट आता है स्पेशल ऑडियो. क्लिक करने से पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है. कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं. ओके, एयरपॉड्स को कान से रिमूव करना होगा तो ये मैंने कर दिया रिमूव. ओके, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है. अब यहाँ पर हमारे फेस के साथ कान का पोजिशन पैन होगा और उसके अकॉर्डिंगली ये आपके लिए ऑडियो सेटअप करेगा. ओके, नेक्स्ट फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है. नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोफोन का ऑप्शन मिल जाता है, मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दिया. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, इसको भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रखना है. नेक्स्ट आता है शो इन फाइंड माई, यहाँ से इस वाले एयरपॉड को आप अपने एप्पल के फाइंड माई डिवाइस पर ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटीज़, यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा. सेकेंड लास्ट ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, यहाँ पे ऑडियो का और भी कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट हमें एयरपॉड का मॉडल नेम, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ चार्जिंग केस एंड बोथ एयरपॉड का वर्जन डिटेल्स, वारंटी डिटेल्स, ये सारा चीज़ देखने को मिल रहा है. एंड इसके बाद डिस्कनेक्ट एंड फॉरगेट डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है. अब करते हैं असली टेस्ट, इसका कॉल क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कैसा है, ये सारा चीज़ टेस्ट करेंगे. गाइस जब मैं इस वाले एयरपॉड से थोड़ा कम वॉल्यूम में म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ तो एक फटाफटा सा साउंड मुझे मिल रहा है और जब मैं वॉल्यूम फुल कर रहा हूँ तब एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड आ रहा है, पता नहीं क्यों.
बस यही एक डिसएडवांटेज लगा कि थोड़ा कम वॉल्यूम में म्यूज़िक को प्ले किया जाता है तब थोड़ा सा फटाफटा सा साउंड सुनने को मिल रहा है, जब वॉल्यूम फुल किया जा रहा है तब एकदम से क्रिस्टल क्लियर साउंड मिल रहा है। आपको अगर इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, मे बी ये कोई सेटिंग्स का इशू हो सकता है। अगर आप ये वाला ईयरबड कॉलिंग के लिए लेना चाहते हो तो बिल्कुल मत लो, पता नहीं क्यों इस वाले ईयरबड से ऑपोजिट पर्सन को साउंड ठीक से क्लियर सुनाई नहीं देता है। सब वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है ये वाला ईयरबड, अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाता है इस वाले ईयरबड में, हफ्ते में 2 बार चार्ज करने से मेरा काम चल जाता है और लाइव लेसन वाला फीचर्स भी अच्छे से काम करता है। तो इस वाले ईयरपॉड को मैंने मार्क योर कार्ट बोल के एक वेबसाइट से परचेज किया था। अगर आप इस वाले प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो तो इस वाले वेबसाइट में इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉल रिक्वेस्ट चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप मेंशन कर देना, वहाँ से आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा। वेबसाइट का सारा प्रोडक्ट आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट में आपको डिलीवरी चार्ज पहले पे करना हो, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो आप डिलीवरी के टाइम पे कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से समझना, इस वाले वेबसाइट से आप अगर कुछ भी ऑर्डर करते हो अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर कर लें ताकि अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिटर्न करवा सकें। वैसे मैंने रिटर्न नहीं किया, ये वाला प्रोडक्ट के लिए मैंने टोटल 2650 रुपये पे किए हैं डिलीवरी चार्ज मिला, जिसमें मुझे एक एयरपॉड प्रो सेकेंड जनरेशन, उसका एक लेदर केस और एक सिलिकॉन केस मिला है। एडवांस अमाउंट मैंने 199 पे किया था। ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक ठाक है, एप्पल का सारा बेसिक फीचर्स इस प्राइस पॉइंट में आपको मिल जाता है और फील भी आपको ओरिजिनल ईयरपॉड वाला मिलता है। वैसे मैं ओरिजिनल एप्पल ईयरपॉड प्रो 2 लेने का सोच रहा था, बस ये वाला प्रोडक्ट मैं एक्सपेरिमेंट के लिए परचेज कर लिया। तो गाइस आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। क्या पता कौन सा आपके काम का हो, क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिक प्रोडक्ट के बारे में लगातार इस चैनल में हम बात करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू एंजॉय, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू सपोर्ट टू मेक बेटर वीडियोज, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट मीन्स अ लॉट टू मी।